मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वंदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चन मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अम्बिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुएं टेढ़ी हो गई तथा वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खणवार धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीप लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उन विशाल सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे अपने बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों में कुचल कर डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दाँतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़गवाग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंद उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंद पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंद को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है, अब युद्ध यज्ञ में तुम शुम और निशुम का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।